नाजरीन आदाब, मैं पुलुसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के एक मंत्री ने कहा है कि अब आने वाली जो सरकार है वो बीजेपी की नहीं बनेगी, बल्कि आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की बनेगी। ऐसा बयान उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि अब बीजेपी ने उनको यानी हरक सिंह रावत को निष्कासित कर दिया है। ऐसा बयान इसलिए उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि आने वाली जो सरकार है बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की बनेगी और इसलिए वो कांग्रेस में ही काम करेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी के एक लीडर ने बीजेपी के ताल्लुक से एक अहम बयान दिया है। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। रविवार को हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ साथ 6 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया था। माना जा रहा था कि हरक सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक सीट से टिकट के लिए दबाव बना रहे थे और उनके कांग्रेस में शामिल होने की भी चर्चा थी, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी ने उन पर ये कार्रवाई की। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, मनगढ़ंत खबरों के आधार पर कार्रवाई कर दी, इनके पास कुछ कहने को नहीं है। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया। हमाम में सब नंगे हैं, मैं सबको जानता हूँ, मुझ पर लांछन लगाने से क्या होगा। मुझे इन लोगों ने निकाल दिया तो क्या करूंगा, घर तो बैठूंगा नहीं, इसलिए कांग्रेस के लिए काम करूंगा। अब मैं कांग्रेस के साथ साथ बातचीत करूंगा, कांग्रेस में शामिल होऊंगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। तो ये थी नाज़रीन हरक सिंह रावत के ताल्लुक से अहम खबर। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।